संतरा नगरी में हत्या के दो मामले सामने आए हैं। कांजी हाउस के पास एक बदमाश को सावची भोजनालय में मौत के घाट उतारा है। वहीं बाठोड़ा में युवक को मौत के घाट उतारा गया। हालांकि इन दो घटनाओं में आरोपियों का पता नहीं लगा है। संतरा नगरी में मंगलवार को हत्या की दो वारदात हुई है। उत्तर नागपुर के कांजी हाउस चौक के पास जहां एक बदमाश के सावची भोजनालय के अंदर हत्या कर दी गई, वहीं दूसरी घटना वाठोड़ा क्षेत्र में हुई है, जहां पर एक युवक को पत्थर से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। भोजनालय के अंदर शेख समीर नामक युवक की हत्या की गई। वाठोड़ा में हुई हत्या में मृतक का नाम नहीं पता चल पाया है। एक ही दिन में डेढ़ घंटे के अंदर हत्या के दो वारदातें होने से शहर में सनसनी फैल गई है। चर्चा है कि शेख समीर की बदले की भावना से हत्या की गई। 15 दिन पहले उसका रानी दुर्गावती चौक की निकुंज स्कूल के पास कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया था। स्कूल में कार्यक्रम शुरू था, शेख समीर वहां कार्यक्रम देख रहा था। इस दौरान उसका विवाद होने पर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ युवकों को पीटा था। शेख समीर की बदले की भावना से किसने और क्यों हत्या की, पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़े के साथ नितिन शिगांवकर की रिपोर्ट।